Hello viewers, how does antivirus software work? Advantage of antivirus software. Today I am going to tell you about the antivirus. So if you want to stop hacking, then you must subscribe this video and run it and to get the knowledge how to protect your device. First of all, we must know what is an antivirus. Antivirus is a kind of software used to prevent, scan, detect and delete viruses from computer. Once installed, must antivirus software run automatically in background to provide a real-time protection against the virus attacks. Antivirus aisa software hai jo aapke system ko prevent karta hai, scan karta hai, detect karta hai aur delete karta hai virus ko. और यह जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं बैकग्राउंड में रन करने लगता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन एंड डेवलप टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर लाइक वायरसेस, कंप्यूटर वॉर्म्स, स्पाईवेयर, बॉटनेट, रूटकिट, कीलॉगर एंड सच लाइक दैट. एंटीवायरस प्रोग्राम्स फंक्शन टू स्कैन, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम योर कंप्यूटर. तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर से वायरस को लाइक वॉर्म, स्पाईवेयर, बॉटनेट, रूटकिट, इन मालवेयर्स को से आपको प्रोटेक्ट करता है. की लॉगर जो आपको टाइप करते हैं वो जान जाता है. सो एंटीवायरस प्रोग्राम फंक्शन टू स्कैन, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस. तो ये इसका काम ही है कि वायरस को हटाए. How does antivirus software work? अब antivirus software काम कैसे करता है? Antivirus software work via relating our device function and data to the database of common threat. अब जो common threat होते हैं उनसे आपके device के functions और data को relate करके काम करता है. Because hackers are regularly making and publishing fresh viruses, it will further check structure for existence of more modern or undetected malware risk. अब रोज ही हैकर्स जो होते हैं नए नए वायरस बनाते हैं. वायरस क्या होता है? एक छोटा प्रोग्राम वो बनाते हैं जिससे कि आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन वो एक्वायर कर लेते हैं. तो जब नए नए वायरस बनते हैं तो अगर आप एंटीवायरस को अपडेट नहीं करिएगा तो वो पुराने वायरस को तो डिटेक्ट कर लेता है लेकिन नए वायरसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता. तो इसके लिए समय समय पर आपको एंटीवायरस अपडेट भी करना पड़ेगा क्योंकि वो जो वायरस रहता है उसके स्ट्रक्चर और प्रोग्राम को डिटेक्ट करके मालवेयर के रिस्क को कम करता है. द एंटीवायरस ऑब्जर्व डेटा फंक्शन एंड प्लान एंटरिंग एंड आउटगोइंग ऑफ आवर डिवाइस टू इट्स डेटाबेस टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी. Related and exact type to the database are restricted, checked and deleted. अब वो ये ऑब्जर्व करता है कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन आपके डिवाइस के डेटाबेस में आ रहा है और जा रहा है. अगर वो कोई नया तरह का डेटा है या नए तरह का प्रोग्राम है तो वो उसको डिटेक्ट करता है और अगर उसमें वायरस है तो उसको चेक करके डिलीट करता है. There are two types of antivirus software, free version or paid version. Free antivirus software bring primary virus security. वो केवल थोड़ी बहुत सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है, फुल्ली आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है. पेड वर्जन होता है कमर्शियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रिंग हायर एक्सपेंडेड सिक्योरिटी. जो अगर आप कोई कमर्शियल वर्क कर रहे हैं या आप बहुत एसेंशियल वर्क अकाउंट्स का कर रहे हैं तो आपको पेड वर्जन ही लेना चाहिए क्योंकि फ्री वर्जन से आपको प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. कुछ एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के मैकाफी, नॉर्टन एंड कास्परस्काई. एवरी डे हैकर्स मेकिंग न्यू वायरस, फॉर दैट यू रिक्वायर एंटीवायरस टू प्रिवेंट योर डिवाइस. बी क्विक एंड इंस्टॉल द पेड वर्जन ऑफ एंटीवायरस इन योर सिस्टम टू गेट रिड फ्रॉम वायरसेस और अटैक. एडवांटेज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हुए तो उसकी क्या क्या बेनिफिट है? पासवर्ड प्रोटेक्शन. पहला तो है पासवर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा. यूजिंग एंटीवायरस वी माइट बी एक्नॉलेज्ड
अप्लाइंग अ पासवर्ड मैनेजर टू इंक्रीज प्रोटेक्शन। एंटीवायरस यूज करने से आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, हैकर आपके पासवर्ड को नहीं पा सकता। तो इम्प्रूव सिक्योरिटी फ्रॉम द वेब, रिस्ट्रिक्ट वेबसाइट एक्सेस, और आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है उन वेबसाइट्स पे जाने से बचाने के लिए कि जिन पे आपको थ्रेट मिल सकता है, जिन पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीवायरस लिमिट्स ऑनलाइन कनेक्शन, सो एंटीवायरस ब्लॉकर्स फ्रॉम अप्रोचिंग अनऑथराइज्ड नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क तो नहीं जाने देता है जो अनऑथराइज्ड है। दिस इज डन टू अश्योर विच वी सिंगल विजिट वेबसाइट दैट आर सिक्योर एंड नॉट अफेक्टेड बाय अवर सिस्टम, और वहाँ जाने पड़ता है जहाँ पर वेबसाइट जो है सिंगल वेबसाइट और सिक्योर है और आपके सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेगी। स्पैम एंड एडवर्टीजमेंट आर ब्लॉक, ऐसे स्पैम्स को और एडवर्टीजमेंट को वो ब्लॉक कर देता है जिससे आप अपना प्रॉपर काम कर सकिए। वायरसेस अफेक्ट्स पॉपअप प्रॉम्प्टिंग एंड अनसेफ वेबसाइट एज वन ऑफ द हाईएस्ट नॉर्मल स्टेप टू अफेक्ट आवर सिस्टम एंड डैमेज ऑल डेटा। अब वायरस जो का एफर्ट क्या होता है, वो बाप बाप पॉपअप करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, अनसेफ वेबसाइट होगी तो उस पर से प्रॉब्लम करेगा पॉपअप कर करके। तो वो हाईएस्ट नॉर्मल स्टेप को भी आपके अफेक्ट कर देगा और आपका कंप्यूटर स्लो चलने लगेगा, गर्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा और आपका डेटा डैमेज कर देगा। एंटीवायरस परफॉर्म अक्रॉस हार्मफुल रिस्की थ्रेट एंड वेबसाइट बाय रिजेक्टिंग द स्ट्रेट कनेक्ट टू आवर कंप्यूटर नेटवर्क। तब वहाँ पर एंटीवायरस हमको हेल्प करता है, इस पॉपअप को एक्टिवेट नहीं होने देता और आप ऐसे चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, ना ऐड आ पाएगा ना पॉपअप आएगा जिससे कि आपका कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, तो आप सेफ रहिएगा। वायरस प्रोटेक्शन एंड ट्रांसमिशन प्रिवेंशन, अब वायरस से आपको एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है और फालतू के डेटा को आपके कंप्यूटर से ना जाने देता है ना आने देता है। अगर प्रोग्राम गड़बड़ है तो वो इंस्टॉल नहीं करने देगा, डाउनलोड नहीं करने देगा, और अगर हैकर्स कोई डेटा आपका चाहता है तो उसको वो लेने नहीं देगा। इट्स डिटेक्ट ईच कैपेबल वायरस एंड देन ट्राइज टू डिलीट इट, और जैसे ही कोई वायरस वो उसको मिलता है वो उसको डिलीट कर देता है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिवाइस दैट कैन बी डिटैच्ड, ऐसी डिवाइसेस से प्रोटेक्ट करता है जो जुड़ी नहीं है, डिटैच्ड है। एंटीवायरस एग्जामिन ईच पोर्टेबल डिवाइस फॉर कैपेबल वायरस एश्योरिंग दैट नॉट अ सिंगल वायरस इज स्प्रेड, और आपको एक भी ऐसा वायरस को नहीं आने देता है जो कि आपके कंप्यूटर डिवाइस को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हैकर्स एंड डेटा थीव्स आर प्रिवेंटेड, आपको हैकर्स और डेटा चुराने वाले लोगों से बचाता है। एंटीवायरस परफॉर्म एवरीडे सर्चेस टू डिटेक्ट इट इफ देयर आर एनी हैकर्स और हैकिंग रेलेवेंट फंक्शन इन द नेटवर्क। एंटीवायरस प्रेजेंट फुल प्रोटेक्शन अक्रॉस हैकर्स, आपको हैकर्स और डेटा चोरी करने वालों से बचाता है और हर दिन के सर्चेस को डिटेक्ट करता है। इफ देयर आर एनी हैकर्स और हैकिंग रेलेवेंट फंक्शन ऑन द नेटवर्क, तो उसको उससे आपको बचाता है, तो वो हर तरह से आपको सेफ रखता है। इसलिए एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है, आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लीजिए। अदरवाइज यूट्यूब चैनल पे जो रोज़ हैकिंग होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड नहीं है। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ रन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आई टी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, फेसबुक पेज, ग्रुप एंड इंस्टाग्राम, फ्लाई अप अस ऑन ट्विटर एंड देन फ्लाई विद अस ऑन ट्विटर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। Go to my community, comment and ask question if any. So thank you viewers, if you like it, please share.